एडवोकेट नरेंद्र जोशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे पुलिस जमानत की। आपने जमानत का सुना होगा कि कोर्ट में हाजिर होना है और कोर्ट में जमानत करानी है, लेकिन ये क्या पुलिस जमानत क्या होती है? यानी कि आपके ऊपर यदि किसी मामले के अंदर कोई एफआईआर दर्ज है और वो एफआईआर बेलेबल ऑफेंस यानी कि जमानती अपराध के संदर्भ में दर्ज है, तो ऐसी स्थिति में पुलिस आपको जमानत का लाभ देती है, यानी कि वह आपको गिरफ्तार नहीं करती है। लेकिन इसके लिए यह शर्त होती है कि कोर्ट से पहले आप पुलिस के सामने एक जमानती दे और जमानती का फॉर्म भरे। एक स्पेसिफिक फॉर्मेट के अंदर आपको आपके साथ में जो भी आपका चीर परिचित मित्र रिश्तेदार है वह व्यक्ति साइन करेगा, आपको जमानत दी जाएगी। और जमानत इस शर्त की दी जाती है कि जब आपको बुलाया जाए वापस, तब आप पुलिस थाने हाजिर हो या फिर कोर्ट में हाजिर हो। पुलिस द्वारा जब आपको जमानत दी जाती है तो उस स्पेसिफिक फॉर्मेट को साइन करवाया जाता है और आपको ताकीद किया जाता है कि जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आपको इन्फॉर्म करेगा कि चार्जशीट फाइल हो रही है, तब आप कोर्ट में हाजिर होंगे, या फिर कोर्ट द्वारा जब समन जारी किया जाएगा तो आप कोर्ट में हाजिर होकर अपनी जमानत कराएंगे। अब कई लोग ये सोचते हैं कि पुलिस, हमने तो जमानत करवा ली, अब और कौन सी जमानत की जरूरत है? साथियों, वो जमानत आपको पुलिस ने दी है, बेलेबल ऑफेंस थे, इस कारण जमानत का लाभ आपको मिलना चाहिए। पुलिस ने इस जमानत पर रिहा किया आपको कि वक्त जरूरत यानी कि जब चार्जशीट फाइल होगी, कोर्ट में ट्रायल होगी, तब वहां पर आप उपस्थित होंगे। लेकिन जब आप कोर्ट में वक्त चालान पेश होते हैं तो वहां पर फिर आपको एक बेल एप्लीकेशन फाइल करनी होती है, फिर एक जमानती आपको प्रेजेंट करना होता है, और उस जमानती की जमानत लिया जाने के बाद आपको कोर्ट द्वारा भी रिहा किया जाता है और फिर चलती है आपके केस में ट्रायल। यानी कि समझने की बात यह है कि पुलिस जमानत से तात्पर्य यह है कि बेलेबल ऑफेंस में पुलिस आपको जमानत का लाभ देती है और जब जरूरत होती है तब आपको कोर्ट बुलाती है और कोर्ट में पुनः आपको उपस्थित होकर एक जमानती के साथ अपनी जमानत करवानी होती है। वहीं पर यदि हम एंटीसिपेटरी बेल की बात करें कि जहां आपके विरुद्ध एनबीडब्ल्यू जारी है या सॉरी वारंट जारी है, या फिर समझ लीजिए कि पुलिस आपको गिरफ्तार करने वाली है नॉन बेलेबल ऑफेंस के मैटर में, वहां आप एंटीसिपेटरी बेल फाइल करते हैं सेशन कोर्ट में, हाई कोर्ट में, और जब वहां एंटीसिपेटरी बेल आपकी एक्सेप्ट हो जाती है और आपको ऑर्डर दिया जाता है कि आपकी एंटीसिपेटरी बेल जो है वो एक्सेप्ट हो गई है और आप अपने जो भी बेल बॉन्ड आपको पेश करने हैं वह पेश करें, ऐसी स्थिति में आपको पुनः पुलिस के पास जाना है और वहां पर कहना है कि कोर्ट द्वारा मेरी एंटीसिपेटरी बेल को एक्सेप्ट कर लिया है और संबंधित जो जमानती है उसको पेश करना है। वहां पुलिस आपको इन्वेस्टिगेशन में आपको सपोर्ट करना है और जो जो टर्म एंड कंडीशन जो कोर्ट द्वारा लगाई गई है उनको आपको पूरा करना है, और ऐसी कंडीशन में पुलिस आपको वहां पर गिरफ्तार नहीं करेगी क्योंकि ऑलरेडी आपके पास एंटीसिपेटरी बेल है। लेकिन उस बेल बॉन्ड को कंप्लीट करने का जो काम है वह पुलिस करेगी, यानी कि वहां पर भी जो जमानत है वह पुलिस लेती है। इसी प्रकार के लीगल अपडेट जानकारियां हमारे प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आती है। यदि आपने हमें फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें, और एक बात और कि अनावश्यक कॉल न करें। यदि किसी मुद्दे पर कानूनी वार्तालाप करना चाहते हैं तो मैं यही कहूंगा कि आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल सर्च करें और वहां पर सारे शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो, करीबन 2000 वीडियो पोस्ट है जहां आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा। फिर भी यदि बात करना चाहते हैं तो कॉल बुक, टेक्स्ट मैसेज करें, कॉल बुक होने पर आपको हमारी तरफ से कॉल आ जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।